काशी, बनारस, वाराणसी, यहाँ के घाट इस शहर की शान है। गंगा आरती देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं, लेकिन आज वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। शहर पर बाढ़ जैसी आफत मंडरा रही है, वजह है गंगा का तेजी से बढ़ता जल स्तर। फिलहाल गंगा का जल स्तर 66.46 मीटर तक पहुंच चुका है। हर घंटे जल स्तर 4 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है और अब तक वाराणसी के 40 से ज्यादा घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। एक समय की बात थी जब ये घाट श्रद्धालुओं से भरे रहते थे, हर तरफ भक्तों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज यहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ के घाट पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। बता दें, महाशमशान मणिकर्णिका घाट की स्थिति तो और भी गंभीर और डरावनी है। यहाँ शवदाह प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से गंगा में डूब चुका है और अब शवों का अंतिम संस्कार छत पर किया जा रहा है। इस स्थिति से डोम राजा परिवार और शव यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। घाट पर जगह की कमी की वजह से शव यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। फिलहाल गंगा में बढ़ते जल स्तर की वजह से नाव का संचालन पूरी तरीके से रोक दिया गया है। 10 अश्वमेध घाट पर गंगा आरती का स्थान 4 बार बदला जा चुका है, जिससे श्रद्धालुओं को घाटों के बीच जाने में मुश्किलें आ रही हैं। नाविक भी इस स्थिति से प्रभावित हैं और उनकी रोजी रोटी पर भी संकट गहराया हुआ है। पानी बढ़ जाने से रास्ते कुल बंद हो गए, नौकाओं का लग गए हैं, इसलिए हर रोजगार जो है बंद हो गया है। भुखमरी की कगार में चल रहे हम लोग, मिल रहा नहीं मिल रहा, बीमारी कगार में पानी बढ़ जाने, नाव लग जाने से दिक्कतें हो गई हम लोग की। रोज कमाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, पानी बढ़ जाने से ज्यादा दिक्कतें हो गई हमको, परेशानियाँ बढ़ गई हैं। अब फोटो जो रोजाना खींचते अब लोग मिल नहीं रहे हैं, अब मिल नहीं, ग्राहक नहीं मिले, पानी भरा हुआ किसी रास्ता नहीं है कि हम लोग खुद दिख पाए ठीक से, चारों तरफ नौका ही नौका लगा हुआ है। स्क्रीन पर आप गंगा महल घाट की वीडियो देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। घाट पर आए लोगों के लिए बनाया गया चेंजिंग रूम पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। जरा सोचिए, सबसे निचली सीढ़ी तक लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन अब यहाँ पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर सर जो है अपना बाढ़ का पानी जो है अपना जो जिस हिसाब से है वो सब आने जाने का रास्ता जो है अपना ब्लॉक हो गया है जी। श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है जी, दिक्कत हो रही है। आप इलाहाबाद से आए हैं, मन में आस्था रही है जी, क्या करने आए हैं दर्शन जी? दर्शन अभी तक नहीं हुआ सर, बस नहाए स्नान किए, बस दर्शन करने आ रहे थे। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जल स्तर अब भी बढ़ सकता है। अगर यही स्थिति रही तो जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच सकता है, जिससे शहर को और भी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। वाराणसी में राहत कार्य लगातार जारी है, लेकिन स्थिति में सुधार की कोई स्पष्ट उम्मीद नहीं है। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।